So hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Alok. Today is day 2 of 21 days option trading challenge, जो कि आज second day है मेरे 21 days option trading challenge का. तो और आज मैंने यहाँ पे दो ट्रेड लिए हैं, आप देख सकते हो. एक ट्रेड है 22,300 का कॉल और एक है 22,500 का कॉल. तो मैं सबसे पहले मैं आपको अपना पोजिशन दिखा देता हूँ, मैंने कितना प्रॉफिट किया है. यहाँ पर आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, दैट इज 615 रुपीज़. बहुत लोग मुझे यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये अमाउंट बहुत ही कम है. नो डाउट अमाउंट कम है, क्योंकि मैं कैपिटल भी यहाँ पे 10,000 to 15,000 ही कैपिटल यूज़ करता हूँ, ठीक है. तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप देखें, और मैं पर ट्रेड में 2,000 रुपीज़ अगर डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो 2,000 पे भी अगर मुझे 600 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो वो भी कितना, दैट इज 30%, विच इज एनफ. ये मेरे लिए काफ़ी प्रॉफिट है, क्योंकि आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आप हमेशा परसेंटेज फोकस करो रैदर देन अमाउंट पे. आप अमाउंट पे फोकस मत करो, क्योंकि अमाउंट पे फोकस करोगे तो आपको वो प्रॉफिट कभी भी काफ़ी लगेगा नहीं. आप हमेशा क्या करोगे, मुझे 5,000 का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए, जो कि ये रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है. रियलिस्टिक रिटर्न क्या होता है कि मैं आपको सिंपल सवाल बता देता हूँ. आप देखिए, मैंने यहाँ पे दो ट्रेड लिए. फर्स्ट है 22,500 का कॉल, सेकंड 22,300 का कॉल. और यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी लगाया, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, आज एक गैप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक डिप लिया. तो पहला कॉल मैंने वहाँ पे लिया, डेट इज डिप पे बाय किया. सेकंड क्या, इसके हाई को क्रॉस किया, हाई को क्रॉस करने के बाद फिर एक डिप लिया, और वहाँ पे 0.5 के लेवल के पास मैंने फिर एक कॉल बाय किया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया. तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया यहाँ पे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को यूज़ किया, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट था. तो ट्रेंडी मार्केट में बाय ऑन डिप या फिर सेल करिए, टॉप पे आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है. आज सेलिंग का मार्केट नहीं था, एज कम्पेयर टू बाइंग का मार्केट बहुत ही अच्छा था, ठीक है. तो मैंने अपने रूल को फॉलो किया कि एक दिन में 3 से 4 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना. मैंने 2 ही ट्रेड लिया और टर्मिनल को बंद कर दिया. आप किल स्विच को ऑन कर दो, सिंपल सी बात है, किल स्विच को ऑन कर दो, ठीक है. तो मैंने इसके पीछे एक लॉजिक्स भी बता दिया. ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हुआ कैपिटल में, विच इज़ मोर देन एनफ. और मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा क्या करो, 2 to 5% इतना आप क्या करो, इतना स्टॉप लॉस लेके चलो, और 10 to 20% इतना का आप क्या करो. जब आपका कैपिटल छोटा है तो 10 to 20% आप यहाँ पे एम कर सकते हो. डेट इज़ अगर आपका कैपिटल 20,000 से कम है तो 10 to 20% आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो. आई थिंक मैंने वीडियो में जितना भी था इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ों को समझा दिया है. अगर आप लोगों को इसी तरह से प्रॉफिट करना है या फिर मेरे साथ ट्रेडिंग को सीखना है, प्रॉफिट लॉस होते रहेंगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.